मेरा सवाल ये था कि आज एक फितना शेख बहुत सबको बर्बाद कर रही है, एक तेजी से फैल रही है कि हमारे कुछ मुस्लिम निकाब पहन कर शेख गैर महरम हर साल रहे पार्कों को, कहीं कहीं शेख शेख खिल खिला खिला गैर महरम से बात बात कर रहे, तो इन जैसे ऐसे मतलब कहीं मिले तो इनको इनको कैसे बात करे करे और नसीहत और शेख इसमें जिम्मेदार आवाज होंगे। इको हो रही है शेख, आपको समझ में आ रहा है सवाल? इनका सवाल असल में ऐसा है, सवाल मैं थोड़ा समझ सका हूँ कि बहुत सारी औरतें, मुसलमान औरतें, बच्चियाँ नकाब में निकलती हैं, गैर महरम मर्दों के साथ घूमती हैं, उनके साथ हंसती हैं पार्कों में इधर उधर, तो उनके साथ क्या किया जाए, या ये उनको नसीहत करना चाहते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है। जी शाहरुख भाई थोड़ा सा तस्दीक कर दें। जी शेख उनको कैसे दावत और नसीहत करे, रहनुमाई करे? ठीक है शेख, जी शेख। इसमें पहली जिम्मेदारी तो उन औरतों के जो जिम्मेदारान हैं, गार्जियंस हैं, उनकी है, और वो जिम्मेदारी उन बच्चियों के जवान हो जाने के बाद नहीं आती है जी। इस बात को समझिए, असल बात यह है कि वो जिम्मेदारी बच्ची के बालिग हो जाने के बाद नहीं आती है, वो बच्ची जब पैदा हुई है उसी वक्त से आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। जब उसकी तरबियत आपने शर्मो हया पर नहीं किया है, जब वो बच्ची थी तो आप कहते थे कोई बात नहीं अभी तो बच्ची है ना, अभी तो छोटी है, अब वो देखते देखते एक दिन बड़ी हो गई, और जिस चीज पर, जिस तरह पत्थर पर कोई चीज नक्श किया जाता है, बचपन से लेकर उसकी जवानी तक जो चीजें आपने नक्श किया है उसके दिमाग पर, उसका असर आसानी से नहीं जाएगा। तो इसलिए इससे बेहतर है कि जब वो बड़ी हो जाए तब आप उसकी अब तरबियत करना शुरू करेंगे, बचपन से उसकी तरबियत कीजिए। तो खराबी दरअसल हमारे मुआशरे में यहां से आ रही है, वरना एक मुस्लिम औरत अगर उसकी तरबियत दीन पर, अकीदे पर, तौहीद पर, ईमान पर, शर्मो हया पर, गैरत पर की जाएगी तो ये चीज तसव्वुर से बाहर है कि वो किसी गैर महरम मर्द के साथ या उससे भी बड़ी बात किसी गैर मुस्लिम के साथ वो इस तरह से ताल्लुकात बनाएगी, ये मुमकिन नहीं है। इसमें इसमें कसूर सिर्फ उस बच्ची का नहीं है, इसमें पहला कसूर उसके गार्जियंस का है, इसमें कसूर इस समाज और मुआशरे का है, इसमें कसूर इस सिस्टम का है, इसमें कसूर उन स्कूल और मदरसे वालों का है जिन्होंने उसकी तरबियत की, क्योंकि सारे लोगों ने उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उसकी जो शर्मो हया थी, फितरी जो निस्वानी शर्मो हया थी, वो खत्म हो चुकी है। अब उसके लिए कोई भी कदम उठाना बहुत आसान हो गया है। तो ये सब कुछ आपने किया है, ये सब कुछ आपने किया है। जब कहा जाता है कि बच्चों की का जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों के साथ मत करें, इख्तलात ममनू है, शरीयत ने हराम किया है गैर मर्दों से बात करना, ये सारी बातें जब बताई जाती है तो अजीब अजीब तरह का कमेंट आता है कि अरे पर्दा तो दिल का होता है, नियतों का होता है, दिल साफ होना चाहिए, ये मौलवी लोग तो फालतू में शक करते रहते हैं। तब जब एक दिन बच्ची भाग जाती है ना, तब उस वक्त उनको समझ में आता होगा कि शरीयत ने जो अहकाम बताए हैं किस लिए बताए हैं। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं नहीं बता पाऊंगा, हाँ इतना कह सकता हूं कि अगर आपकी ताकत है तो भाई उस बच्ची को नसीहत कीजिए, लेकिन ये हमारे समाज में मुमकिन नहीं है। नसीहत करने जाएंगे ना, एक दूसरा गैंग आ जाएगा, वहीं पर आपकी कुटाई कर देगा कि भाई यहां तो आजादी है, आप कौन होते हैं किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर करने वाले, यहां तो आजादी है, कोई लड़की पार्क में किसी गैर महरम के साथ घूम रही है, आपको यहां के कानून के तहत आपको इजाजत नहीं है इंटरफेयर करने की। तो आप अपने दायरे में जो कर सकते हैं उसके मां बाप को आप बताइए, उनको नसीहत कीजिए, अगर मुमकिन हो बगैर किसी फसाद के मुमकिन हो तो उस बच्ची को भी नसीहत कीजिए, लेकिन उस वक्त वो नसीहत ज्यादा कारगर नहीं होगी। मैं ये बात बार बार और फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये नसीहत उस वक्त ज्यादा कारगर नहीं है, कारगर ये है कि जब वो बच्ची है उसकी तरबियत इस्लामी तरीके से की जाए, उसके घर वालों की तरफ से भी, समाज और मुआशरे की तरफ से भी, खास तौर से वो स्कूल और मदरसा जहां उसकी तालीम होती है वहां पर। बच्ची को आपने मोबाइल लेकर के स्मार्टफोन दिया हुआ है और उसमें जो है
जो है डाटा पैक भी आपने दिया हुआ है माशाल्लाह फुल जी, उसके बाद जो है बच्ची स्कूल भी जा रही है और दूसरे लोगों को आप कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी निगाह सही कीजिए, अपनी नीयत दुरुस्त कीजिए, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है और क्यों फालतू में शक करते रहते हैं। उसके बाद बच्ची की दोस्तियां होती हैं, पहले दोस्तियां शुरू होती हैं लड़कियों से, उसके बाद लड़कों तक उसका दायरा फैलता है। बच्ची रात दिन व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम में बिजी रहती है और आप जो है ये समझते रहते हैं कि पर्दा जो है दिल का नीयत का होता है और फालतू में शक करना बंद कीजिए। उसके बाद जब नसीहत जो जो है ये यहां तक नौबत पहुंच जाती है, अब उसके बाद मौलाना क्या बताएगा, वो क्या फतवा देगा भाई, वो तो मुल्क का कानून तो उसे इजाजत दे रहा है तो करने दीजिए जी जी।